नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे MRPL यानी कि मैंगलोर रिफाइनरी के क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स के बारे में। दोस्तों तो MRPL का क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स आ चुके हैं दोस्तों, तो अब हमको क्या करना चाहिए, ऑलरेडी 52 वीक हाई के काफी करीब है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो देखिए और रिजल्ट को एक एक एंगल से एनालिसिस करेंगे और उसके बाद टारगेट प्राइस कैंडलस्टिक चार्ट पे जरूर बताएंगे। तो दोस्तों अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है द ट्रेडिंग बुल्स नाम से। चलिए दोस्तों चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ा करें और कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या अपनी सलाह लेकर ही इन्वेस्टमेंट किया करें। चलिए दोस्तों चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैंगलोर रिफाइनरी के बारे में बताएं कि जो 52 वीक हाई बनाया 53.40 रुपये और 52 वीक लो जो है 25 रुपये का बनाया और वहां से थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिला है। तो आज दोस्तों इसके फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं, अभी अभी इनका रिजल्ट आया है 6:55 पे। और जो इनके आउटकम्स रहे वो इन्होंने बोर्ड हैज नॉट रिकमेंड एनी डिविडेंड, इस बार इन्होंने कोई डिविडेंड नहीं डिक्लेयर किया है। तो अगर हम आउटकम पे फोकस करें तो इस बार जो टोटल इनकम है वो टोटल इनकम काफी ज्यादा जंप देखने को मिल रही है पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में। तो पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन यानी ये सारे फिगर दोस्तों करोड़ में है, तो 14172 करोड़ था जो इस बार बढ़ के 20815 करोड़ के आसपास हो गया है, यानी कि लगभग जंप जो देखने को मिला है वो लगभग 40-45% का जंप देखने को मिला है टोटल इनकम में। वहीं अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखें तो भी लगभग 20% के आसपास जंप देखने को मिला। अगर आप ईयर ऑन ईयर यहाँ पे देखिए ये फिगर्स हैं 17575 से अब ये शेयर जो है 20.20815 करोड़ के आसपास इनकम जनरेट हो रही है। वहीं हम टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो टोटल एक्सपेंसेस 20,296 करोड़ के आसपास एक्सपेंसेस हुए हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस जो है 598 करोड़ के आसपास हुए हैं। वहीं जो लास्ट क्वार्टर में अगर आप देखें तो लॉस में थी कंपनी और वहीं लास्ट ईयर देखें तो काफी ज्यादा लॉस थी। तो लॉस से पहली बार कंपनी दोस्तों प्रॉफिट में आ चुकी है और प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 518 करोड़ के आसपास हुए हैं। वहीं पे अगर हम दोस्तों आगे बढ़े, अगर हम टैक्स एक्सपेंसेस भी और निकाल दें तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड वो जो इंक्रीज हो रहा है वो 328 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ है, जो पिछली बार लॉस में थी कंपनी और लास्ट ईयर भी लॉस में थी। तो इस बार का जबरदस्त इसमें मुनाफा हुआ है, इसकी वजह से शेयर में भी जंप देखने को मिला है। तो अर्निंग पर शेयर्स की अगर हम कंपैरिजन करें, यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ टोटल एक्सपेंसेस और यहाँ प्रॉफिट टैक्सेस देखिए लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे लॉस नजर आए थे एक्सपेंसेस अगर आप देख लेंगे तो लॉस थे। और यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों थोड़ा तो नेट प्रॉफिट एक चीज और एनालिसिस कर लेते हैं कि जब हम लोग टैक्सेस निकाल रहे हैं और ये सारी चीजें तो नेट प्रॉफिट क्या बन रहा है। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में प्रॉफिट इसमें काफी हाई था, लास्ट ईयर जो प्रॉफिट था 1629 के करीब था, थोड़ा सा करेक्शन है दोस्तों। इस बार 328 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है एक्सेप्शनल आइटम और वो सब निकाल दे तो इस बार का प्रॉफिट अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख रहे हैं दोस्तों तो अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है और इसी वजह से अर्निंग पर शेयर में भी बढ़िया जंप देखने को मिल रहा है। तो अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो एक बढ़िया रिजल्ट नजर आता है, लगभग 0.43 अर्निंग पर शेयर से 1.87 हो चुका है। वहीं पे अगर हम दोस्तों टोटल लायबिलिटीज की बात करें तो टोटल लायबिलिटीज में भी लगभग 20% का जंप देखने को मिला है, जो कि इस बार लायबिलिटीज टोटल 30746 करोड़ हो चुकी है जो कि लास्ट क्वार्टर में 25798 थी। तो एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, इसके अलावा शेयर में प्रॉफिट जंप हो रहा है, लॉस से इस बार प्रॉफिट में आ गए हैं। तो बढ़िया रिजल्ट गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो एक बढ़िया शेयर है। और MRPL का अगर हम एनालिसिस देखें तो कहीं ना कहीं मार्केट पहले ही फैक्टर आउट कर चुका है और रिजल्ट से पहले ही ये शेयर लगभग 38-39 रुपए से शेयर चलना शुरू किया है मई की शुरुआत में और अब ये रिजल्ट दोस्तों लगभग 50-52 रुपए के आसपास ये शेयर पहुंच चुका है। तो ऑलरेडी जंप देखने को मिला है, लेकिन दोस्तों अगर आपका लॉन्ग टर्म नजरिया है 6 महीने 1 साल 2 साल के लिए तो आप डेफिनेटली 50-day मूविंग एवरेज को ही स्टॉप लॉस बनाएं, जो कि लगभग 41 रुपए के आसपास है, 40.90 रुपए के आसपास, उसको स्टॉप लॉस बना के ऊपर के लेवल 60 रुपए के आसपास जाए तो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें। वहीं शॉर्ट टर्म में
हो सकता है थोड़े बहुत करेक्शन देखने को मिले। तो शॉर्टर टर्म में भी अगर हम लोग देखें तो हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत बढ़िया रिजल्ट गया है, तो आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा लगभग लगभग 46 रुपीज का। तो 46 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट टर्म में भी बने रहिए, और ऊपर की तरफ अगर आपको 53-54 के लेवल जाते हैं तो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें। तो ये थी दोस्तों एनालिसिस, उम्मीद है आपको पसंद आई है। तो हमें टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो करिए द ट्रेडिंग बुल्स नाम से। थैंक यू दोस्तों।